वैचारिक जागरण मिशन ट्रस्ट द्वारा मासिक स्मार्ट क्लास में घरेलू महिलाओं को बचत करने के उपाय बताए गए। वैचारिक जागरण मिशन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष प्रतिभा जिंदल ने बताया कि महिला को छोटे छोटे बचत के गुण इस कार्यशाला में बताए गए। किस प्रकार अपनी बचत को बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड इत्यादि में छोटी छोटी सेविंग कर और पूरे ब्याज के साथ बढ़ोतरी की जा सकती है। बचत का पैसा कैसे प्राप्त हो, कुछ इस तरह के सवाल महिलाओं द्वारा बैंक अधिकारी कृष्ण गोपाल अग्रवाल से किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ वैचारिक जागरण मिशन ट्रस्ट की संस्थापक अध्यक्ष प्रतिभा जंदल ने किया। आज हम लोग वैचारिक जागरण मिशन ट्रस्ट की ओर से एक मासिक कार्यशाला के कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को जो छोटी छोटी सेविंग्स महिलाएं अपने घर में करती हैं, उन्हीं सेविंग्स को इस तरीके से उनको इन्वेस्ट किया, किस तरीके से उनको इन्वेस्ट किया जाए, उस तरह उसकी कार्यशाला लगाई। इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ यही था कि महिलाएं जो छोटी छोटी सेविंग्स कर लेती हैं और जितनी सेविंग करती हैं वो चाहे 10 साल बाद निकाल लो, 15 साल बाद निकाल लो, वह उतना ही पैसा मिलता है। अगर हम 100 रुपया रखते हैं तो 100 ही रुपया हमें वापस मिलता है। इसके पीछे का एक उद्देश्य ये है कि जब हम किसी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या किसी और योजना में हम अपना पैसा लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ हमें वो पैसा मिलता है। और इसके पीछे की एक योजना ये भी, क्योंकि महिलाओं का ये मानना है कि जब कभी भगवान ना करे कोई एक इमरजेंसी हमारे घर में आती है तो हम घर में पैसा इसलिए बचा के रखती हैं कि हम उस बिगड़े हुए वक्त पर उस पैसा को निकाल के दे सकें। लेकिन हमारा इस उद्देश्य के पीछे ये भी, इस कार्यशाला के पीछे एक ये भी उद्देश्य है कि उन्हीं सेविंग्स में, उन्हीं योजनाओं में हम अपना पैसा सेव करें जिसमें कि हमें बिना किसी ज़्यादा जटिल प्रक्रिया के उस पैसे को हम निकाल सकें और अच्छी एक इंटरेस्ट के साथ हमें वो पैसा रिटर्न मिले। उन घरेलू महिलाओं के लिए मेरा वैचारिक जागरण मिशन ट्रस्ट की ओर से जागरूक करते हुए एक यही संदेश है कि अपने उस पैसे को जो कि आप अपने घर से बचा कर सेव करती हैं, तो बजाय, क्योंकि मैंने देखा है कि किटी के माध्यम से या साइलेंट किटी के माध्यम से पैसा इकट्ठा करके महिलाएं ऐसी जगह भी पैसा उठा देती है कि वो वक्त आने पर पैसा कई बार डूब जाता है। लेकिन उसमें सिक्योर होने के लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये हमारे लिए इस तरीके की एक प्लेटफॉर्म है कि यहाँ हमारा पैसा 100% सर्तिया हमारा पैसा सेव रहता है। तो अगर वह इस तरह के, जैसे म्यूचुअल फंड है, जैसे पहले किसान विकास पत्र करके इस तरह की काफ़ी योजनाएं चला करती थी, उन योजनाओं में अगर हम पैसा छोटा छोटा भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ी रकम की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी होती है जिसमें एक मिनिमम अमाउंट को लेकर हमें रहता है कि इतना पैसा होना चाहिए, जबकि कुछ योजनाएं ऐसी हैं कि हमारे पास जितना भी छोटे छोटे सेविंग्स हैं उसमें हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो महिलाओं के लिए मेरा यही एक जागरूक करने के लिए एक उद्देश्य है कि वो अगर इन छोटी छोटी सेविंग्स पर अगर ध्यान दें तो पैसा हमारा कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होकर ही हमारे पास आएगा और सेफ, और एट ए टाइम जिस समय हम चाहते हैं उसी समय वो पैसा विदाउट जटिल प्रक्रिया के हमें वो पैसा मिल सकता है। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।